का हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स पावर्ड बाय स्पार्क्स मोबाइल एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। हर पता हमें पता है और अगर हमें कोई पता अभी फिलहाल नहीं पता है तो वो पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल तक जो पहुंचने का पता है वो अभी तक नहीं पता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ अब्दुल रऊफ साहब। सर जी आज तो मैच है वैसे इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका और कहा जा रहा है उसी को डिस्कस करना है, लेकिन कल की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से फखर ने प्ले किया है, मैं क्योंकि आज काफी दिनों बाद यहाँ पे आया तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना हम उसको टच कर लें, थोड़ी सी उस पर बात कर लें कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, देर आए दुरुस्त आए। हमारे एंकरों का भी वही हाल है जो पाकिस्तान टीम का हो साहिर के बीमार होने से रोज चेंज हो रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही और अली हमारे साथ साहिर भाई को भी जल्दी सेहत दे, बस दुआ करें जी, बेचारे हॉस्पिटल में है। देखें यार कल के मैच की जो आप बात कर रहे हैं अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन अगर मगर अभी भी है क्योंकि कह रहे हैं कि वहाँ जो अगला मैच है इंग्लैंड का उसका श्रीलंका और जो जिस पे हम डिपेंड कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं किविस के अगले मैच पे और अफगानिस्तान के मैच पे। हाँ क्योंकि अफगानिस्तान के हमारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं तो अब हमें जाहिर है हमने आगे जाना है तो उसके लिए उनका हारना बहुत जरूरी है। बारिश का सुनने में आ रहा है कि वहाँ उस दिन बारिश है तो आपको पता है दुआएं तो अभी तक बहुत काम कर रही हैं, दुआएं तो वाकई काम कर रही है और यही लग रहा है कि उसी की बदौलत ये जो हमने कल देखा। चले इस पे हम डिस्कशन करते हैं आगे जाके, अभी जरा आ जाते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आज मैच होने जा रहा है। इंडिया की जो रसाई है सेमीफाइनल में वो तो यकीनी हो चुकी, उनकी जो पॉइंट टेबल पर जब हम नजर डालते हैं तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने भाई 7 मैचेस खेले हैं, 7 ही जीते हैं और पॉइंट्स उनके 14 हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। जबकि साउथ अफ्रीका जिनके साथ आज उनका मुकाबला होने जा रहा है 6 मैचेस वो जीते हुए हैं और 12 पॉइंट्स इनके भी हैं। तो सर जी आज किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? यार वैसे तो देखें इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतर जो टीम नजर आई है वो आपको इंडिया ही नजर आ रही है और उसके पॉइंट्स आपको बताते हैं कि वो सबसे अच्छा खेल रही है। साउथ अफ्रीका दोनों मेरे ख्याल क्वालिफाई कर चुके हुए हैं, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं तो आज का मैच एक मेरे ख्याल उनके लिए शायद इतना वो ना हो कि जैसे हमारा है कि हम सेमीफाइनल के लिए हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वैसे वाला सूरत हाल नहीं, मतलब आज मेरा ख्याल वो बड़ा नॉर्मल सा मैच उनके लिए है और मेरा ख्याल है कि आज हो सकता है इंडिया कोई अपने नए प्लेयर भी खिलाए। अच्छा, मतलब चांसेस होते हैं ना जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप चांस लेते हैं कि आपके बेंच पे जो स्ट्रेंथ है उसको भी चेक किया जाए, तो मेरा ख्याल हो सकता है कि आज इंडिया चूंकि क्वालिफाई कर गए हैं तो शायद नए प्लेयर्स के, ठीक है आपको लगता है कि हो सकता है कि आज नए प्लेयर्स को चांस दिया जाए। बट वर्ल्ड कप की स्टेज पे आके कि बजाय अब आप सेमीफाइनल में जा रहे हैं तो आप अपना कॉम्बिनेशन भी जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन ही जो है वो उसी के साथ आप खेलें, क्योंकि यू डोंट नो कि आगे जाके आपका साउथ अफ्रीका से दोबारा से मुकाबला हो जाए तो उसको फिर अपने कॉम्बिनेशन जो आपने आजमाया होगा हो सकता है आपको चेंज करना पड़ जाए। तो आप कैसे देख रहे हैं जी आज के मैच को? वैसे हेड टू हेड की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा वैसे भारी है इंडिया पे। हाँ, अगर ओवरऑल देखें तो 90 में से 50 मैचेस साउथ अफ्रीका जीता हुआ, 37 इंडिया जीता है और इस टूर्नामेंट में भी मेरा ख्याल है कि जो दोनों टॉप टीमें आज वो एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट कर रही हैं और बड़ा मेरा ख्याल है कि सबसे इंटरेस्टिंग कंटेस्ट होगा कि देखें कि कौन सी टीम को एज हासिल है और फाइनल की दौड़ में कौन सी टीम शामिल होती है और अगर फाइनल में ये टीमें पहुँच गई हैं तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है कि जो आज का मैच है इसको काफ़ी हद तक वो भी सॉल्व कर देगा, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में मेरा ख्याल है कि एक जो उनका डेफिशिएंसी है कि जब वो सेकंड बैटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो आज इंडिया की कोशिश होगी कि पहले खुद बैटिंग करें और एक बड़ा स्कोर पुट करें और उसके बाद जिस तरह इंडिया की बॉलिंग परफॉर्म कर रही है, जिस फॉर्म में शामी है, जिस फॉर्म में सिराज है, उसके बाद ऑब्वियसली वो है बुमराह है, तो मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग उनकी बॉलिंग है। और ये भी हमने देखा है कि उनके जो पहले जो प्लेइंग 11 था शुरू में वो तो परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या क्योंकि अब आउट हो गए हैं वर्ल्ड कप से, उन्होंने जब बेंच अपना यूटिलाइज अप किया, जिस तरह से शामी ने आके परफॉर्म किया, बाकी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनके बॉलर्स उनको भी आउटक्लास कर दिया, उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस। तो ये जब हम इनको देखते हैं, इनकी टीम के बेंच को देखते हैं कि बेंच की स्ट्रेंथ को देखते हैं, फिर हम अपनी टीम पर नजर डालते हैं कि यार एक नसीम शाह क्या हमारा इंजर्ड हो गया और हमारी टीम ऐसे जैसे बॉलिंग कराना पूरी टीम ही भूल गई, लड़खड़ा सी गई, तो ये स्ट्रेंथ बड़ी मैटर करती है। देखिए ये मैटर करता है कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है, जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या डोमेस्टिक का जो ढांचा है वो स्ट्रांग नहीं होगा
आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है वो आपकी राइट फ्रॉम द डोमेस्टिक ग्रास रूट से आती है। ये जो कंट्रीज हैं जैसे साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया है, इनका जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है और नीचे वाला स्ट्रक्चर बहुत तकड़ा है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम नहीं होती। जो इनका बंच स्ट्रांग, आप देखें कि वो जो इनके सबसे प्रीमियर ऑलराउंडर थे हार्दिक पांड्या, वो इंजर्ड हुए तो उनको जिसने रिप्लेस किया वो तीन मैचेस में बेस्ट बॉलर हुआ शामी अहमद। इसी तरह जो न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन जो उनको रिप्लेस करते हैं विल यंग, वो हर मैच में 50 कर देते हैं। बुमा की जगह जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंड्रिक्स को खिलाते हैं तो वो हर मैच में 70-80 रन कर देता है। हमारा एग्जैक्टली जिस तरह आपने कहा कि एक वो नसीम शाह इंजर्ड हुआ, हम सारा हमारी फास्ट बॉलिंग कोलैप्स हुई। हमारा जो स्पिनर्स हैं तीनों स्पिनर्स हमारे आउट ऑफ फॉर्म हैं और हमें उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। हमें बदकिस्मती से हमारा जो पार्ट टाइम बॉलिंग है वो इफ्तिखार अहमद और आगा सलमान। अच्छा, ये आपने क्योंकि अब जिक्र किया है कि रिप्लेसमेंट हमें स्पिनर की नहीं मिल रही है तो मुझे याद पड़ता है कि जब फखर थोड़ा सा इंजरी का शिकार हुए थे और रेस्ट पे थे तो तब बात की जा रही थी कि हाँ अब अबरार का चांस बन गया। ये बात हो रही थी कि अब क्योंकि फखर को आप फखर की जगह अबरार को ला सकते हैं, लेकिन आप देखें कि आखिरी जो आपके जो मैचेज हैं दोनों में फखर ने जिस तरह से परफॉर्म किया और कल के मैच में खास तौर पे फखर ने, सर सर बात देखिए ना फिर निकल के वहीं पर आ जाती है। ये आज के मैच में इंडिया, क्योंकि इंडियन सरजमीन में मैचेस हो रहे हैं, इंडिया को ये एडवांटेज तो है इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जहां पर इडन गार्डन्स में ये मैच हो रहा है वहां पर आपको क्या लगता है कि किस टीम को ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है? देखिए हमेशा तो फायदा होम टीम को ही होता है। अभी बात कर रहे थे प्लेस की, देखें इंडिया को अगर आप देखें तो वो कभी भी अपने प्लेस जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि एक सीज़न में किसी ने स्कोर किया आईपीएल में तो उन्होंने खिला दिया, वो पूरा मौका दो तीन सीरीज देखते हैं कि कौन सा प्लेयर खेल सकता है, कौन सी T20 में खेल सकता है, 50 ओवर्स का है या टेस्ट मैच का, वो कभी मिक्स नहीं करते। कल भी रऊफ ने बात की थी इस पर, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक कोई बंदा भी हमारी टीम क्यों स्ट्रगल कर रही है उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एक सीज़न में कोई 50 करता है या 2, 4, 5, 10 आउट करता है तो हम T20 के प्लेयर का शोर मचा देते हैं कि इसको जी टीम में लेके आ जाए आप मैं, हम सब शोर करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, वो पूरा एक दो तीन सीरीज़ देखते हैं और फिर उसके बाद उनको एग्जैक्ट पता होता है, उनका विजन इतना अच्छा है, उनके जो थिंक टैंक है वो इतने अच्छे लोग बिठाए हुए उन्होंने कि वो टेस्ट मैच की टीम ही अलग बनाते हैं। आप ये देखें इनमें से 4-5 प्लेयर ऐसे होंगे रऊफ जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अदरवाइज T20 को देख लें, 50 ओवर्स देख लें और टेस्ट मैच टोटली चेंज होती है टीम। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं तीनों में एक ही टीम ले कर चल रहे होते हैं। फिर कुछ काफी दिनों से बात भी चल रही थी, यारी दोस्तियां भी चलती हैं, यारी दोस्ती के अलावा और भी बड़ी वैसे चीजें आ गई थी वो भी हो सकता है यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कस हुई होंगी, मैं क्योंकि काफी दिनों बाद आया हूँ। तो सर इसके डिस्कशन जो है आगे लेकर चलेंगे और जाहिर है इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका एक बड़ा मैच, दोनों टॉप टीम जो है वर्ल्ड कप की इस वक्त पॉइंट टेबल पर उनका मैच है उसको भी डिस्कस करना है, साथ साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की क्योंकि बात की है तो वहां पे तो वो खेलते हैं उनके प्लेयर्स, मगर हमारे प्लेयर्स से जब बात की जाती है तो वो क्या जवाब देते हैं आगे से इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आज एक बड़ा मैच है, दोनों टीमें जाहिर कोशिश करेंगी कि वो ये मैच जीतें। इंडिया जो कि अभी तक सारे मैचेस जीतती आ रही है, साउथ अफ्रीका ने एक मैच गलबन हारा है 12 पॉइंट्स के साथ है, तो देखते हैं क्या होता है। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक बंदा आज बहुत खुश है भाई हमारे दफ्तर में और उसकी खुशी की जो वजह है वो कल की जीत है क्योंकि उस बंदे की प्रेडिक्शन ठीक हुई। पहली बार अच्छा ये पहली बार हुई है? नहीं नहीं, वो बंदा है कहाँ पे, वो बंदा है किधर भाई, जीत गई है टीम पहली दफा, प्रेडिक्शन ठीक होगी, ओए होए 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 क्या बात है, क्या बात है, ओहो हो पोला जी, पोला जी ठीक हो आज से बड़े खुश हो पोला जी है जबरदस्त, ओहो हो फखर जमान है, फखर जमान क्या बात है जबरदस्त यार, फखर जमान ने वाकई बड़ा परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अच्छा वो 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है, मेरा ख्याल है कि 10 करोड़ भी उसके लिए तो थोड़ा कट नहीं, 10 लाख रुपए कट ना है ना, ज्यादा होना चाहिए 10 ही, हाँ तो बाकी भी सोच रहे साढ़े से कुछ नहीं। अच्छा आज की है भाई पोला जी, आज की ले आए हो, दसो ना जरा आज कि टीम ने जितान लगे ने वेख लिए ना जरा,
अच्छा जी, पोला जी ले आए हमारे पास जिसके ऊपर वैसे चेयरमैन को पोले के लिए भी कुछ अनाउंस करना चाहिए। हाँ, वैसे ये भी है कि देखिए इन्होंने प्रेडिक्शन की है तो पहली दफा वैसे ठीक की है, चले शुक्र होगी सारी, हम चाह रहे थे हो जाए। बहरहाल नाम जो है जी पोला जी की तरफ से सामने आ गया और वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, और सिर्फ यही नहीं कहा, साथ उन्होंने कहा कि इंडिया को लगेगा झटका, यानी इंडिया जो है वो हारेगा, जो कि अभी तक नहीं हारा। हारेगा जी इंडिया, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करेगा, विराट कोहली परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छा करण ना करण पर हार जान है। चलो बहुत शुक्रिया जी पोला जी, बहुत मेहरबानी आपकी, और साउथ अफ्रीका को आज पोला जी ने जिता दिया जी। बस पोले की प्रेडिक्शन को उल्टा समझने नहीं, अगर पोला माफ कीजिएगा, अगर ऐसा समझा जाएगा ना तो फिर तो कल का मैच भी। पोले ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहा था, उन्होंने 384 किया था, और बड़ी नहीं साउथ अफ्रीका किसको कहा था, ऑस्ट्रेलिया जीते हारेगी, तो बड़ी मुश्किल से वो न्यूजीलैंड उल्टा हुआ, अफगानिस्तान अच्छा उसमें उल्टा हो गया था, वाह 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 वाह, न्यूजीलैंड के खिलाफ था जाए। अच्छा चले पोला जी की, अब हम देखते हैं कि आज की जो प्रेडिक्शन है वो ठीक होती है नहीं होती। कल की प्रेडिक्शन जो है वो तो ठीक हो गई थी, पाकिस्तान जीत गया था, आज की प्रेडिक्शन हम चाहेंगे कि ठीक हो जाए। अच्छा जी, मैच का बाकायदा आगाज भी हो चुका है क्योंकि इंडिया बैटिंग कर रहा है, पहली बॉल हो चुकी है और रोहित शर्मा इसको फेस कर रहे हैं। सर अगर हम नज़र डालें आज की टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर, तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ अभी तक आपको नजर आई, हमने बॉलिंग में तो उनका कमाल देख लिया लास्ट गेम में जिस तरीके से, अच्छा बड़ी मायूसी भी हुई थी वैसे जब शामी जो हैं उन्होंने उनका 5 विकेट हॉल दोबारा से हुआ, और लास्ट हमें याद है कि वो सिराज ने इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया, 3 विकेट गालिबन उन्होंने भी ली, लास्ट जो एशिया कप था उसमें भी इन्होंने 50 पे पूरी टीम को आउट किया था, और उसमें सिराज की 6 विकेटें थी, इसमें शामी की 5 विकेटें थी। सजदा करने जाते हैं नीचे, सजदा कर नहीं पाते हैं, मतलब देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मतलब मुसलमान जो है ना ये साबित ही करते रह जाएंगे कि भाई हम मुहिब्बे वतन है इंडिया के अंदर, और शायद ऐसे ही कुछ हमें मंजर देखने को मिलता है कि वो बंदा पूरा नीचे जाता है सजदे के लिए, उसे सजदा नहीं कर पाता। यार वहाँ अली भाई पता क्या, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं उनकी है मुसलमानों की, वहाँ आप देखें ना कितना मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, तो अब उसने उस मुल्क में रहना है, मेरा ख्याल है उसकी बेचारे की मजबूरी थी, वो क्या करता। नहीं देखें जहाँ पे अपना शोर मचाया जाता है, मजहब की आज़ादी नहीं है, नहीं आप देखें आपके रिजवान पे इतना शोर मचा था, तो वो तो उनकी टीम का प्लेयर है, शायद यही एक वजह ज्यादा उनके जो जहन में होगी कि इन लोगों ने जीना हराम कर दिया रिजवान का सजदा करने पे, तो ये मेरा क्या करेंगे। आप देख सोचो ना, वो तो उस मुल्क में रहता है, बिल्कुल वो कभी भी नहीं, उसने बेचारे को जाते जाते उसको याद आया कि मैं इंडियन हूँ। तो अच्छा हालांकि ये एक अच्छा लम्हा था, अच्छा मोमेंट था, और शायद उनकी इस सजदे को जो भारतीय इंतहा पसंद है शायद माफ कर देते, क्योंकि उनकी वजह से उनकी टीम जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बड़े जबरदस्त तरीके से आउटक्लास किया, लेकिन दिस शायद उनके जहन में वो भी होगा, आपको याद होगा कि शामी की वजह से जब लास्ट ओवर था गालिबन इन्होंने कराया था और वो मैच इंडिया हार गया था, बहुत ज्यादा जो है अब्यूज किया गया था, लिटरली हैरास तो किया गया था, अब्यूज किया गया था शामी को, और शायद वो चीजें आज तक एक देखें एक जो प्लेयर होता है कि अच्छा परफॉर्म करे तो सारे उसकी तारीफ करते हैं, बट एक बुरा मैच जो होता है और जिस तरीके से खासतौर पे शामी को ट्रीट किया गया था, जिस तरीके की गलाजत बकी गई थी, मेरा ख्याल है शामी अभी तक उससे बाहर निकल नहीं पाया। बिल्कुल, और देखें बड़ा साइन था, और जिस तरीके से मेरा ख्याल है कि इंडिया का दावा है, एक मैं तो उसको सो कॉल्ड क्लेम कहूंगा कि कहते हैं कि हम जी दुनिया की सबसे बड़ी सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट है, मगर जो उनकी पॉलिसीज हैं वो कंप्लीटली उसके रॉन्ग है, और उसके मुतजाद इसलिए हैं कि आप देखें कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वहाँ पे, सिर्फ मुसलमान ही बाकी माइनॉरिटीज भी बड़ी सीरियसली सफ़र कर रही हैं इंडिया में, और रोज़ाना की बेस पे जो जो वाकयात वहाँ पर सामने आते हैं, इवन जो कनाडा में अभी केस हुआ एक सिख लीडर का मर्डर हुआ, यानी कि बाहर जाके भी उन्होंने इस किस्म के क्राइम करने शुरू कर दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो मुसलमान है वहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ये जो एक साइन था शामी का, इवन वो पाकिस्तान पे बाद में क्रिटिसाइज करते हैं, मगर आप देखें कि जो हमारे माइनॉरिटीज के प्लेयर पाकिस्तान की टीम में खेले हैं उनको हमेशा से इंडिपेंडेंस रही है, वो अपने साइन बनाते रहे हैं,
हमेशा से उनको फुली इंडिपेंडेंस थी, किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मजहबी आजादी है, मजहबी आजादी होनी चाहिए। मगर ये देखें कि कितना बड़ा सो कॉल्ड जो क्लेम कर रहा है इसका डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेसी का, तो वहाँ पे इस हद तक आज़ादी है कि एक बंदा जो खुशी में अपना थोड़ा सा मजहबी रसूमात में सजदा करना चाह रहा था तो वो तक वो नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है कि एक अफसोसनाक चीज़ है, बिल्कुल अफसोसनाक चीज़ है। और ये बात निकली वहाँ से थी कि शामी इंडिया की इस वक्त बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और वहाँ से आगे बात खैर निकल गई। तो सर स्ट्रेंथ अगर इंडिया की बात करें तो आप भी तो पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस ईडन गार्डन में कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे यार वो उसकी रीज़न ये है ना, देखें ना अभी तक जितने भी मैचेस हैं उनमें दो मैचेस ऐसे आए जहाँ साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल काफ़ी स्ट्रगल किया उसने सेकेंड बैटिंग में। तो मेरे ख्याल इंडिया वह टीम ऐसी है जो हर चीज़ को देखते हुए वो डिसीजन करती है, तो उनको पता है कि ये सेकेंड इनिंग में इनसे स्कोर नहीं होता। एक दफ़ा हमने अगर स्कोर लगा दिया, अच्छा स्कोर कर दिया, तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो ईडन गार्डन तो एक ऐसी ग्राउंड है जहां बॉल अगर एक दफ़ा आगे आपसे निकल जाए ना तो उसकी आउटफील्ड बहुत तेज़ है। तो मेरा ख्याल है बड़ा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें इंडिया की जो फॉर्म है उसको देखते हुए तो लगता है कि इंडिया का एक भी बैट्समैन अगर खड़ा हो गया तो बड़ा अच्छा खासा स्कोर करेगा। और जो कंसिस्टेंसी है इंडियन टीम की जो इस टूर्नामेंट में खास तौर पे हमने देखी है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, कि मतलब सारे मैचेस अभी तक अपने जीतते आ रहे हैं। लेकिन बॉलर्स को अगर हम साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बात करें रो भाई, कितना एडवांटेज आज आपको लग रहा है कि हो सकता है, या स्पिनर्स को ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होगा? देखिए जो ईडन गार्डन की पिच है उस पर जो अर्ली ऑन थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, क्योंकि बाद में अगर जब दिन में तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर क्योंकि लेट कवर्स उठाते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। पहले कोई 10 ओवर में जिस तरह जॉनसन है इंडिया साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर है या निगीडी या रिबाडा, ये हल्का सा एडवांटेज ले सकते हैं। मगर ये ग्राउंड रोहित शर्मा के लिए बड़ा फेवरेट ग्राउंड है, उसने ODI क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग इसी ग्राउंड में खेली हुई है। जहाँ तक आपने बात की है कि इनके जो मेरा नहीं ख्याल कि बाद में कोई इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट होगी जो उनके फास्ट बॉलर हैं, इनिशियल ओवर्स में अगर विकेट अगर अर्ली विकेट नहीं लेते हैं तो ये बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाएंगे। मगर सेकंड टाइम एक बात याद रखिएगा, जब क्योंकि यहाँ पे जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 23 तक जाता है, तो उसमें ड्यू फैक्टर डेफिनेट इन्वॉल्व होगा। और जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं सिराज बुमराह और वो शामी, और वो स्ट्रगल करते हैं, और वो जो साउथ अफ्रीका ना वो सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही टफ होगा। जितना भी ये टारगेट करेंगे उसको चेज करना साउथ अफ्रीका के लिए आसान ही होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलें किसी तक प्रिडिक्शन भी वैसे आ गई है, प्रिडिक्शन बाकायदा लेंगे आपसे, लेकिन अभी एक ब्रेक का क्योंकि कहा जा रहा है और आपकी एक बात भी बीच में रह गई है, तो ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका ईडन गार्डन्स में जारी है, वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुकाबला है दोनों टॉप टीम्स के दरमियान, और 26 स्कोर मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त इंडिया का हो गया है, और तीसरा ओवर जो है वो जारी है। इंडियन बैटिंग की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि जब भी बेंच भी यूटिलाइज हुआ है जब तब तक उन्होंने आके पहले से अच्छा परफॉर्म किया है। बॉलर्स में भी हम देख रहे हैं यही सूरत हाल है, बैटर्स में भी यही सूरत हाल है, तो बैटिंग इंडिया की इस वक्त आप कैसी रेट कैसे करेंगे? देखिए इंडिया की जो बैटिंग है वो शुरू से ही वर्ल्ड क्लास रही है, और अभी भी देखें रोहित शर्मा इसमें हैं, कोहली हैं, और उसके बाद जो शुभमन गिल हैं, उसके बाद KL राहुल हैं, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी एक रिकग्निशन है। मगर असल चीज़ ये है कि जब आप पे प्रेशर पड़ता तो उस टाइम पे कौन परफॉर्म करता, उसमें जो दो बड़े नाम हैं, एक तो रोहित इसका कोहली का विराट कोहली और दूसरे KL राहुल, जब जब इंडिया पर प्रेशर पड़ा, और जितने भी ये देखें मैंने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर मैचेस में रोहित शर्मा अर्ली आउट हो गया, शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं, जो दूसरे इन्होंने सूर्या कुमार यादव आउट हो जाते हैं, मगर जितने क्रूशल मैचेस होते हैं जिनमें प्रेशर पड़ता है, जिनमें इंडिया को जरूरत होती है जीतने के लिए, जिनमें इनकी तीन विकेटें जल्दी डाउन हो जाती हैं, उसमें हमेशा एक तो कोहली स्कोर करता है, दूसरा KL राहुल, और तीसरा जो सबसे टॉप पे नंबर आता है वो जडेजा का। हालांकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और बॉलिंग ऑलराउंडर है, मगर उसकी बैटिंग प्रेशर में इंतहाई इंडिया के लिए। अच्छा ये जो आपने जिक्र किया ना अभी के रोहित शर्मा अर्ली आउट हो जाते हैं, यानी उनकी 50 होती है आउट हो जाते हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि रोहित शर्मा जो कि ओपन करते हैं उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है अपने आगे आने वाले प्लेयर्स पर या मिडिल ऑर्डर पर, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और इसलिए हम देखते हैं कि उनकी जो अब बैटिंग स्ट्रेटेजी रही है इस वर्ल्ड कप के दौरान
वो खुलकर खेलते हैं, वो रुककर नहीं खेलते हैं। वो देखें, वो वाहद प्लेयर है, मैं हमेशा कहता हूँ उसके पास शॉट्स बहुत ज़्यादा है। जो जिसके पास शॉट्स होती है ना, वो फिर वो उससे उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। जैसे हमारा ओपनर है जिसने कल 100 किया है, उसके पास भी देखें वो रोक के नहीं खेल सकता, जैसा मर्जी मैच हो। और ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि पहले स्ट्रेटेजी फखर की, या तो उसको कहा गया था या उसके अपने जहन में था कि सेट होके खेलना है, इस वजह से पहले आउट होते रहे? फखर, फखर को आप जो मर्जी कह लें, नहीं रोक सकते। फखर ने अपनी गेम खेलनी है क्योंकि वो खुल के खेलता है। इसी तरह रोहित शर्मा जो है ना, इसको आप कैसे भी विकेट हो, आसान हो, मुश्किल हो, इसने जाके अपनी शॉटें खेलनी है और ये खेलता है। और अब जैसे जो भी आप बात कर रहे थे कि रऊफ ने तीन बंदों का जिक्र किया, विराट और शुभमन गिल और नहीं उसका राहुल का, अच्छा राहुल, इनको आप देखें, ये वो प्लेयर हैं जो रेगुलर इंडिया की तरफ से टेस्ट मैचेस खेलते हैं। और जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं ना, तो जब आप प्रेशर पड़ता है ना, तो उसके बाद आपको पता होता है कि इनिंग कैसे बिल्ड करनी है। इसलिए इन्होंने बड़ी बैलेंस टीम रखी हुई है। ये तेज़ खेलते भी हैं, और जैसे ही अगर कभी कहीं विकटें गिरती हैं, आप विराट को अगर आप देखें, विराट हमेशा आप सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। वो कभी ये नहीं करता कि अगर ज़रूरत है तेज़ खेलने की तो आके वो ठक्का लगाएगा। वो अगर ओपन स्टैंड अच्छा लग गया तो आके तेज़ खेलता है। बिल्कुल, और वाकई में अच्छा प्लेयर वही है जो कि प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म करे। और इसमें डेफिनेटली जैसे आपने भी सबसे पहले विराट का नाम लिया, मैं भी विराट के नाम लूंगा कि इंडिया पाकिस्तान जैसा टाकरा क्यों ना हो, और भी परफॉर्म करे ना करे, हम देखते हैं विराट कोहली जो है परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये बैटर्स की कारकर्दगी की क्योंकि आपने बात की है ना, तो मुझे वहाँ से ना इफ्तिखार याद आए हैं। इफ्तिखार इसलिए याद आ गए क्योंकि एक तो हमारे हिटर भी और आजकल हमारे स्पिनर भी बने हुए हैं, तो उनकी गुफ्तगु थोड़ी पुरानी बात होगी ये 2-3 दिन, लेकिन आपने सुनी होगी, वो कहते हैं बिरयानी को लेके उन्होंने गुफ्तगू की थी। वो गुफ्तगू उन्होंने ये की थी कि यार ये बिरयानी का कोई मसला नहीं होता, देखे जब हम हारते हैं तो आप हमारी बिरयानी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम जीतते हैं तभी तो हमने बिरयानी खाई होती है। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन देखिए, इससे ठीक है, मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन सीरियसनेस डाइट प्लान को लेके एक एथलीट की होनी नहीं चाहिए। वैसे देखिए, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना। सब कॉन्टिनेंट में इंडिया भी आता है, विराट कोहली वगैरह का उठा के देखे ना, डाइट प्लान से नहीं रह सकते। देखिए उसमें मैं बताता हूँ, इंडियन कल्चर बहुत चेंज हो गया। अब हमारे दिमाग में वही इंडिया जो आज से 60 साल पहले हमारे साथ चल रहा था, लेकिन पिछले वो एडवांस हो गए। अगर पिछले 15-20 साल उठाकर देखें ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। उन्होंने अपना कोचिंग स्टाफ बाहर से मंगवाया था, न्यूट्रिशन उनके बाहर के थे, जो उनके बायोमैकेनिक एक्सपर्ट थे वो सारे उन्होंने बाहर से मंगवाए। हमारे देखें, हमारे एक्सेप्ट करने को तैयार, क्योंकि ये कल्चर आपने फ्लोरिश करना होता राइट फ्रॉम द ग्रास रूट। जब आप बच्चों को एजुकेट इस लेवल पे करना शुरू हो जाएंगे ना, अंडर 16 लेवल से, तो फिर वो आस्ता आस्ता इसके साथ परवान चढ़ेंगे और यूज टू हो जाएंगे। जब आप डायरेक्टली डोमेस्टिक से पाकिस्तान की टीम में आ जाएंगे और आपने वो कल्चर नहीं देखा होगा, तो आपको अडॉप्ट करते हुए बहुत लंबा टाइम लगेगा। इंडिया ने ये कल्चर डेवलप किया बच्चों में, अंडर 16 अंडर 15 लेवल पर उन्होंने न्यूट्रिशन हायर किए हैं, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हायर किए हैं। पता होता है जी कि गुड प्रोटीन्स कौन से हैं, गुड फैट कौन से हैं, क्या आपने खाना है, कार्ब्स लेने हैं नहीं लेने। हम यहाँ पे देखते हैं सर, छोटे छोटे लड़के जो जिम जा रहे होते हैं यहाँ पे, वो इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने कोई मुकाबला नहीं लड़ना होता, अपने लिए लड़ रहे, तो ये तो मुकाबला लड़ रहे होते हैं मुल्क के लिए, तो ये फिर क्यों इन चीजों पर ध्यान नहीं देते? अली, आप अगर इनका आज से 20-25 साल पीछे चले जाए ना, तो इनके यहाँ सिर्फ बैट्समैन आपको नजर आते थे, फास्ट बॉलर बड़े काम थे, कपिल देव थे, या कपिल के अलावा मुझे कोई फास्ट बॉलर दिखा दे उनका जो आपको नजर आया हो, क्योंकि वो उनका वो खाते ही वही थे, दाल वगैरह ना, वो चीज़ें सब्जियां खाते थे, गोश्त की तरफ जाते ही नहीं थे। मगर अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई, हर बंदे ने अपना बंदा, देखें इवन वेट ट्रेनिंग के लिए आप उनके वीडियोज देखें, उन्होंने हर चीज़ के लिए अपने अलहदा बंदे और रखे हैं। और इंडिया अलग अलग है, और इंडिया ने इस पर बड़ा काम किया है। आप देखो, आप फास्ट बॉलर उनके देख लो, तीनों वो फास्ट बॉलर हैं जो इस वक्त टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। क्यों है? इसलिए कि उन्होंने उस पर काम किया है। वो इंडिया, आप देखें, आप अभी बात कर रहे थे ना कि 50 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, मगर बात यह है कि टूर्नामेंट में जो टीम वही अच्छा खेलती है जो उस टूर्नामेंट में बेहतर खेल रही हो। तो इस वक्त आपको टीम इंडिया की, बेशक उन्होंने 50 मैच जीते हैं, मगर इस वक्त जो टीम अच्छा खेल रही है वो इंडिया इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेल। अच्छा, प्रेडिक्शन आज का मैच कौन जीतेगा? यार मुझे देखें,
इंडिया लग रही है बेहतर टीम लग रही है। वैसे आप इंडिया को जिताते नहीं होते, आज वैसे आप जिता नहीं रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। देखें आप एज ए प्लेयर अगर आपने बायस्ड होकर ओपिनियन देना है तो फिर तो वो तो हमारे दिल से तो है कि हम ऐसे है भी नहीं, पाकिस्तानी ऐसे है भी नहीं, नहीं मगर और सर दूसरा वो ये भी तो देखें ना आपके इंडिया की टीम जो कि जबरदस्त चारों शानचित कर रही है, हर टीम को आउटक्लास कर रही है, उसका मुकाबले में हम अपनी टीम की जब बात करें कि जो हम बस दुआओं पे चल रहे हैं तो फिर जाहिर है आपको इंडिया की टीम को बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भाई दे आर बेटर, दे आर परफॉर्मिंग, तो वो बेहतर हैं तो हमें उनके लेवल तक क्योंकि जाहिर है मेहनत मजीद करनी पड़ेगी। हम जाहिर पहले तो गलती तस्लीम करना बात होती है ना, हम ये कहते रहे जी नहीं जो भी है हमारी टीम नंबर वन है, ऐसे देखिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी नजर डालनी पड़ती है। अच्छा खैर कमिंग बैक, इस पर तो हम जाहिर डिस्कशन चलती रहेगी, डोमेस्टिक की बात हो रही थी वो बीच में रह गई, हमारे कुछ प्लेयर से पूछा गया वो कहते हैं जी कि हमारी तो के डोमेस्टिक खेलें आप, वो कहते हैं जी हमारी तो T10 T20 कमिटमेंट्स हैं हम तो डोमेस्टिक खेल नहीं सकते। तो सर ये तो हाल है आपके डोमेस्टिक का क्या सर, ये मैं आपको बता दूं ये डोमेस्टिक का हाल नहीं है, जब आपकी क्रिकेट बोर्ड कमजोर होता है ना, जब आपकी मैनेजमेंट कमजोर होती है तो फिर प्लेयर पावर बन जाती है, फिर प्लेयर इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि जब भी आप लूज पोल देंगे ना प्लेयर्स को तो वो फिर मनमानी करेंगे और उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा डिजास्टर ये हो रहा है कि आपकी डोमेस्टिक का जो ढांचा है बिल्कुल नीचे से नीचे जाया जा रहा है, आप उसको वैल्यू देने को तैयार नहीं है, आपके बड़े प्लेयर डोमेस्टिक नहीं आना चाहते। नहीं 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 प्लेयर इसलिए नहीं आना चाहते कि हमारा बोर्ड वीक है, ये लोग दिहाड़ी लगाने आते हैं सारे, इनका काम ही कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को सही करने का। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपके यहाँ पे एक सिलेक्टेड जो नुमाइंदे वो बैठे सिलेक्टेड नुमाइंदे और म्यूजिकल चेयर चल रही है, कभी वो आ गया कभी 3 महीने के लिए वो, 4 महीने के लिए वो आ गया, इनका जो लॉन्ग जो एक विजन होता है ना जो किसी चीज को ठीक करने वाला होता है वो है ही नहीं। अब देखिए अगर ये एक रूल एंड रेगुलेशन बना दें कि भाई कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले सेलेक्ट नहीं हो सकता, आपके प्लेयर टीवी पर बैठे हुए हैं, दो दो महीने की उनकी कमिटमेंट है, आपका टॉप का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है उसको वो निग्लेक्ट कर रहे हैं और आपका मीडिया और आपकी लॉबिंग और आपके एक्स क्रिकेटर उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लॉबिंग क्या कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान की टीम ही होना चाहिए जो टीवी पर बैठा हुआ, जो निग्लेक्ट कर रहा आपके डोमेस्टिक को पाँव के तले रौंद रहा है, कह रहे हैं जी इसको पाकिस्तान की टीम ही होना चाहिए, इसको पाकिस्तान का कप्तान बना दो, इसको फलाने फॉर्मेट में डाल दो, इसको ये कर दो। अब देखिए कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रांग पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे कि जो प्लेयर डोमेस्टिक आपका नहीं खेलेगा उसका किसी सूरत में सिलेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान टीम में। लेकिन वही बात है ना कि फिर वो प्लेयर कहते हैं जी कि ठीक है ना करें हम T10 और T20 और पता नहीं आप कौन कौन सी लीग्स आ रहे हैं वो तो हम खेल ही रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, बट बात फिर वही है कि जिस मुल्क ने आपको स्टार बनाया आप उस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, आप उस मुल्क को वापस क्या दे रहे हैं कि आपके लिए अब कौमी जिम्मेदारी जो है वो अब प्रायोरिटी नहीं रही है। तो जाहिर है जो डोमेस्टिक खेलना वो भी कौमी जिम्मेदारी है, लेकिन आप कहते हैं कि अब मैं क्योंकि एक नाम बन गया हूं तो मैं बस अपने पैसे कमाऊं और अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूं। खैर नाज़िम देखते हैं। एक सेकंड सर मैं इसको आगे कंटी, यही प्लेयर मैं इनको क्योंकि मैं विटनेस हूं, मैं 25 साल से सिस्टम का हिस्सा रहा हूं जी, यही प्लेयर जो आप कहते हैं ना हम T10 खेलेंगे हम ये खेलेंगे हम डोमेस्टिक नहीं खेलने चाहते, जब इनका नाम नहीं था जब ये ग्रास रूट से नीचे आए थे मैंने इनको एक फर्स्ट मैच के लिए मिनते करते देखा हुआ सर, बिल्कुल ऐसे जो मैनेजमेंट उनके पाँव में गिरते हुए देखा हुआ। बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि क्लोजिंग का कहा जा रहा है तो क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। देखते हैं जी आज का जो मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कौन जीतता है, दोनों टीमों में से जो भी जीते दोनों टीमों की जो टिकट है सेमीफाइनल की वो तो लगता है कि पक्की ही है। नाज़रीन अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।